दोस्तों नमस्कार, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक शासकीय सेवक को अवकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए सर्विस काल में मिलने वाले अवकाश नियम को जान लेना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे द्वारा यूट्यूब चैनल पर अवकाश के से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है, इसलिए चैनल में अंत तक बने रहें। एवं आपके द्वारा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब हम अवकाश से संबंधित जानकारी को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे हम अवकाश नियम, मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 सामान्य नियम। सामान्य अवकाश की मांग सदैव अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी जब कभी लोक सेवा हितार्थ ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी भी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकार या खंडित कर सकता है। यद्यपि उसे प्रार्थना की गई छुट्टी की प्रकृति बदलने का कोई अधिकार नहीं है। शासकीय सेवक का अवकाश पर प्रस्थान। कोई भी शासकीय सेवक अवकाश, आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य पर प्रस्थान नहीं करेगा जब तक कि वह पहले स्वीकृत न करा लिया गया हो। उसके द्वारा जो है पहले अवकाश को स्वीकृति कराना आवश्यक है, तभी वह शासकीय सेवक अवकाश पर जा सकता है। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जैसे आपातकालीन स्थितियों में स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी कारण दर्शाते हुए व्यतीत किए गए अवकाश को भूलक्षी प्रभाव से स्वीकृत कर सकता है। अब इसके देखेंगे अवकाश नियम। अवकाश की एक समय में अधिकतम सीमा। तो किसी भी शासकीय सेवक को लगातार 5 वर्ष से अधिक समय का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। असाधारण परिस्थिति में राज्यपाल ही अन्यथा निर्णय इसमें ले सकते हैं। अवकाश की स्वीकृति एवं वापसी। नंबर एक, अवकाश हेतु निर्धारित प्रपत्र में फार्म एक में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर दो, अस्वस्थता के अतिरिक्त अन्य आधार पर 3 सप्ताह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर तीन, प्रत्येक शासकीय कर्मचारी का अवकाश लेखा फार्म 2 में संधारित करना चाहिए। नंबर चार, कोई भी अवकाश उस समय तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से पात्रता के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त न हो। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश की स्वीकृति, इसके लिए नंबर एक, निर्धारित फार्म 3 पर प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए। नंबर दो, निर्धारित प्रारूप 4 पर ड्यूटी पर आने पर स्वस्थ होने का चिकित्सीय प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए। तीसरा है, आवेदित अवकाश अवधि के शुरू होने के साथ ही प्रस्तुत करना चाहिए। अपवादात्मक परिस्थिति में अवकाश अवधि शुरू होने पर 7 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो चिकित्सा और प्रमाण पत्र के आधार पर जो अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तो सबसे पहले निर्धारित प्रारूप 3 पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा ये प्रमाण पत्र अवकाश लेने के लिए निर्धारित फार्म इसके लिए 3 है, और जब ड्यूटी में वापस आएंगे लिए आने के लिए निर्धारित प्रारूप 4, और ये 7 दिन के अंदर यह अवकाश के लिए ये फार्म सबमिट करना होना आवश्यक है। इसके बाद देखेंगे अवकाश के प्रकार। तो इसमें कौन कौन से अवकाश के प्रकार है। नंबर एक, अर्जित अवकाश, विश्राम अवकाश विभाग के कर्मचारी को छोड़ करके। तो अर्जन, दिनांक 1/1/77 से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 30 दिन का अर्जित अवकाश, अर्थात प्रत्येक अर्धवर्ष में 15 दिवस 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को जमा किया जाएगा। अधिकतम जमा की सीमा, अधिकतम 300 दिवस। अधिकतम उपभोग की सीमा, एक समय में 120 दिन। अवकाश वेतन, अवकाश पर जाने के ठीक पूर्व जिस दर से वेतन प्राप्त कर रहा था उसी दर से अवकाश काल में वेतन प्राप्त करेगा।
दूसरा है अर्ध वेतन अवकाश। तो अर्जन इसमें जो है सेवा के एक वर्ष पूर्ण के लिए 20 दिन की दर से अर्ध वेतन अवकाश जमा होता है, यह अग्रिम में जमा नहीं किया जाता। अधिकतम जमा की गई सीमा, कोई सीमा नहीं है इसके लिए, और उपभोग जितना जमा उतना ही लिया जा सकता है। अवकाश वेतन पूर्ण अवकाश का आधा। अवकाश के प्रकार देखेंगे हम तो लघुकृत अवकाश, इसमें जो अर्जन है लघुकृत अवकाश ड्यूटी द्वारा अर्जित नहीं किया जाता। जितना अर्ध वेतन अवकाश जमा है उसका आधा चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया जा सकता है। जितनी मेडिकल लीव ली है उसका 2 गुना अर्ध वेतन अवकाश कम किया जाता है। अवकाश वेतन अर्ध वेतन अवकाश का दुगुना अर्थात पूरा वेतन। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के अवकाश सामान्य रूप से है, जैसे हम देखेंगे आधे अवकाश और असाधारण अवकाश। तो आधे अवकाश को देखेंगे, विशेष प्रकार के अवकाश है ये। आधे अवकाश में प्रसूति अवकाश महिलाओं के लिए 180 दिवस, संतान पालन अवकाश 730 दिवस, अध्ययन अवकाश साधारणतः 12 माह एवं पूर्ण जीवनकाल में 24 माह, पितृत्व अवकाश 15 दिवस के लिए, विशेष निर्गुणता अवकाश 24 माह के लिए। तो इस प्रकार अधेय और असाधारण अवकाश के विषय में हमने जाना। इसके बाद देखेंगे हम विश्राम अवकाश विभाग के कर्मचारी को अवकाश। तो विश्राम अवकाश की कुल अवधि 45 दिन की होगी। विश्राम अवकाश का लाभ नहीं लेने की स्थिति में अर्जित अवकाश देय अधिकतम 30 दिन का होगा, जिसकी सीमा का ध्यान में रखते हुए जितने दिन का लाभ उठाने से वंचित कर दिया गया हो। यदि अन्य कारणों से विश्राम अवकाश की सुविधा मिलती है तो वह अर्जित अवकाश की पात्रता हेतु हिसाब में नहीं लिया जाएगा। अब कुछ इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें नंबर एक, अवकाश अधिकार नहीं है, किसी भी प्रकार के अवकाश को अविस्वीकृत किया जा सकता है। मध्यप्रदेश अवकाश नियम 6 में इसका उल्लेख है। दूसरा है, आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर के अवकाश पर प्रस्थान नहीं किया जाएगा। मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 7 में इसका उल्लेख है। तीसरा है, एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है, इसके लिए भी मध्यप्रदेश अवकाश नियम 9 में इसका वर्णन है। इसके बाद देखेंगे चौथे नंबर पर, किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से अधिक का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसके जो नियम है वो मध्यप्रदेश अवकाश नियम 11 में इसका विवरण है। इसके बाद पांचवा देखेंगे हम, आवेदित अवकाश के 3 सप्ताह पूर्व आवेदन देना चाहिए। सेवा निवृत्त के 6 सप्ताह की सीमा लागू होती है। अवकाश नियम 13 में इसका विस्तृत जानकारी है। नंबर 6, दंडित या पदच्युत या निष्कासित अथवा सेवानिवृत्त करने के चिन्हांकित प्रकरणों में अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश अवकाश नियम 16 में इसका वर्णन है। इसके बाद 7वां देखें हम, अवकाश का आवेदन का प्रारूप, ये नियम जो प्रपत्र है 1। 8वां है, अवकाश लेखा प्रपत्र 2। आश्वस्त प्रमाण पत्र प्रपत्र 3। अर्ध वेतन अवकाश नियम 28 एवं 36 दो में है। लघुकृत अवकाश नियम 29 एवं 36 में है। आधे अवकाश नियम 30 एवं 36 में है। असाधारण अवकाश नियम 31 एवं 36 में है। प्रसूति अवकाश नियम 38 में है। पितृत्व अवकाश नियम 38 का में है। और विशेष निर्गुणता अवकाश नियम 39 में। अर्जित अवकाश नियम 25, 26, 36 एक में है। तो इस प्रकार अवकाश से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह और विभागीय जानकारी से संबंधित जानकारी के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद। Mm-hmm.